हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से मैं एक अपने सब्सक्राइबर का पाम लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ और आज फिर से हम एक नए हाथ की एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, इस हाथ में कुछ यूनिकनेस है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको कुछ सीखने के को मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको नई नई चीज़ों को की जानकारी मिलती रहे। एक तो आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो मार्स है अच्छा खासा डेवलप्ड है और इनके हाथ में जो है, आप देखिए, एक फेट लाइन यहाँ है, एक ये फेट लाइन है और इस तरह से जो है लगभग एक फिश का आकार दे रही है। उस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या इफेक्ट होता है जब डबल फिट लाइन होती है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होती है। इस तरह से जब बाई का सिंबल का आकार बनता है हमारे लाइफ लाइन पे, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। जब इस तरह से हृदय रेखा होती है तो फिर इन सभी चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट होता है। ये एक रेखा इधर जा रही है, उसकी क्या इफ़ेक्ट होती है। तो इन सभी चीज़ों सारी चीज़ों को माइन्यूटली हम वॉच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका नेचुरल ट्रेड्स हमारे ऊपर देता है, क्या इसका प्रभाव होता है। तो दोस्तों, इनके सबसे पहले तो मैं उन चीज़ों पे फोकस करूँ जिनके बारे में इन्होंने पूछा है, जानकारी ली है, जानकारी लेनी चाहिए। सबसे पहले तो इन्होंने पूछा है कि सर, मेरे को मेंटल डिप्रेशन है 2016 से और वो डॉट, बहुत सारे डॉट मेरे थे इनसे पूछने को, तो वो क्लियर नहीं हो रहा था चैटिंग के थ्रू। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने कॉल करने को कहा और वो सारे डॉट मैंने क्लियर किए। तो सारे के सारे वो कैसे कैसे डॉट क्लियर हुआ, वो स्टेप बाय स्टेप हम आते जाएंगे एनालिसिस पे और आपको हम बताते जाएंगे। तो दोस्तों, हम एनालिसिस शुरू करते हैं और ये एक 38 ईयर्स एक नौ एक युवक का पाम है जो कि यह पहले हमको शक भी जा रहा था कि इनको सरकारी जॉब में होना चाहिए और फिर इन पता चला बात करने के दरमियान कि यह एक गवर्नमेंट जॉब में हैं और गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रहे हैं, गवर्नमेंट से किसी न किसी रूप में ये फाइनेंशियली बेनिफिट ले रहे हैं, यह भी पता चला हमको। तो एक बात ये क्लियर हो जाती है, यहाँ पर से ये एक रेखा जा रही है और एक इंसेसेंट, मतलब एक लगातार एक फिट लाइन जा रही है जो कि इनको इंसेसेंट सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बता रही है, जो कि पता चल रहा है कि हाँ, इनका एक रेगुलर इनकम सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तो वो स्पष्ट कर दे रही है। दोस्तों, जो मेंटल प्रॉब्लम की जो इन्होंने कहा कि जो इनको 35 ईयर्स की एज से इनको जो मेंटल स्ट्रेस है वो परेशान कर रही है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से ये और यहाँ से यहाँ तक आइए, लगभग कि 40-41 के एज तक इनको ये जो है माइंड लाइन पूरी की पूरी तरह डिस्टर्ब है। आप यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो कैसे जब मेंटल लाइन यानी माइंड लाइन जब डिस्टर्ब रहती है तो व्यक्ति को कितना परेशान करती है, आप समझ सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को और भी बता देना चाहता हूँ कि मैंने इनकी कुंडली भी देखी है। इनकी कुंडली में देखी है तो फर्स्ट हाउस में राहु और चंद्रमा विराजमान है इनके फर्स्ट हाउस में। तो राहु और चंद्रमा जब दोनों एक साथ बैठते हैं तो किसी न किसी रूप में मीन्स किसी न किसी रूप में भय देते ही रहता है ये। मतलब जब मान लीजिए कि व्यक्ति रोड पर चल रहा हो तो लगेगा कि हाँ, अब हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, सही से हमको चलना चाहिए, संभल करके चलना चाहिए। इस तरह का अननेसेसरी फियरनेस क्रिएट करता रहता है व्यक्ति के अंदर। तो मैंने इनको कहा कि ये सारी चीज़ों आएंगी आपके पास, लेकिन इसका मतलब ट्रूथफुलनेस से कोई रिलेशन नहीं है, इसका हमारे पास आसपास से कोई रिलेशन नहीं है। आप उस तरह से जोड़ करके आप नहीं देखें, कनेक्ट करके नहीं देखें, आप इन सभी चीज़ों को आप अपने माइंड में नहीं आने दें। और उसके लिए मैंने रेमेडीज़ भी इनको बताई है, तो वो करेंगे तो शायद इनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, तो यही जब माइंड लाइन डिस्टर्ब हो जाती है तो व्यक्ति को बहुत परेशान कर देती है। तो दोस्तों, जब भी आपका माइंड लाइन डिस्टर्ब रहेगा तो आप अपने आप को संभालने की कोशिश करें, किसी भी वहम से बचने की कोशिश करें, यह आपके लिए भी एक सावधानी भरा नुस्खा है। दोस्तों, इनसे मैंने एक क्लियर किया था कि क्या आपको कभी चीटिंग मिली है। जब इस तरह की हॉट लाइन होती है तो व्यक्ति को चीटिंग मिलती ही मिलती है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से इस तरह से बहुत सारे लाइंस निकल रही है, यहाँ पर से आप देखिए तो बहुत सारी लाइंस निकल रही है जो व्यक्ति को बताती है, व्यक्ति के बारे में बताती है कि इनको अपने जिनके ऊपर इनका भरोसा रहेगा वही इन लोगों को
चीट करेगा। और इन्होंने एक बार की कहानी बताई कि इनके साथ इस तरह का चीटिंग हुआ है। तो दो बातें क्लियर हो गई दोस्तों। तीसरी बात ये है कि यहाँ पर एक लाइन जा रही है, हार्ट लाइन से माइंड लाइन को कनेक्ट कर रही है। तो जब कोई भी सिमियल लाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, जब सिमियल लाइन का फॉर्मेशन होता है, तो दोस्तों मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ में कि आपका लाइन जब मीन सिमियल लाइन होता है, जब तब क्या होता है कि ना ना हार्ट लाइन होती है और ना माइंड लाइन होती है, और दोनों का एक जगह पे कंजक्ट हो जाता है, तो जाकर के सिमियल लाइन का फॉर्मेशन होता है। तो फिर क्या होता है कि माइंड और सोल दोनों, माइंड एंड हार्ट दोनों एक जगह पे हो जाता है, और व्यक्ति का जहाँ पे माइंड जाता है वहाँ पे हार्ट जाता है, जहाँ पे हार्ट जाती है वहाँ पे माइंड भी जाती है। इसका मतलब कि व्यक्ति का कंसंट्रेशन भंग नहीं होता है, वो जो चीज़ करना चाहता है वो चीज़ कर सकता है। बिल्कुल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन करने के लिए अपने आप को वो तत्पर रहता है, हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। तो दोस्तों यही एक कंडीशन, और वैसे ही सिमियल लाइन वाले लोगों के पास एनर्जी एंड स्टेमिना एक स्पोर्ट्स पर्सन के जैसा होती है। उन लोगों के पास एनर्जी बहुत काफ़ी होती है, स्टेमिना भी काफ़ी होती है, काम करने की अद्भुत क्षमता होती है वैसे लोगों में जो सिमियल लाइन वाले पाम में होती है। तो दोस्तों वही चीज़ के फॉर्मेशन, जब सिमियल लाइन के फॉर्मेशन नहीं होती है लेकिन एक हर्ट लाइन होती है और एक माइंड लाइन होती है, और हर्ट लाइन और माइंड लाइन को कनेक्ट करने वाली एक रेखा होती है, तो आप कह सकते हैं कि सिमियल लाइन वाला ट्रेट्स लेकर के आती है। पहला तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बना देती है, दूसरा व्यक्ति के अंदर गुस्सैल प्रवृत्ति ले आती है, तीसरा जब भी कोई भी एडवेंचरस काम होता है तो उसमें ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जो कि इनका जो माउंट का जो पर्वत है इनका, जिसके बारे में मैंने बताया कहा था दोस्तों कि इनका यह हाथ में एक यूनिक क्वालिटी है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो मार्स माउंट है कितनी डेवलप्ड है, कितनी बाहर निकली हुई इनकी मार्स माउंट, जनरली यहाँ से ही कट जाती है मार्स माउंट लोगों की। तो आप देख यहाँ से ही मैं बताता हूँ, यहाँ से ही कट जाती है जनरली मार्स माउंट, और मार्स माउंट इनकी अच्छी खासी डेवलप्ड है, जो कि व्यक्ति को लड़ने की क्षमता देती है, परेशानियों को झेलने की क्षमता देती है और परेशानियों से उबरने की भी क्षमता देती है। तो ये सारी क्वालिटीज और एनर्जी और स्टेमिना भी देती है, तो सारे के सारे ये क्वाइंसाइड हो रहे हैं इनके हाथ में। तो हम कह सकते हैं, बिल्कुल भी हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं दोस्तों कि हाँ, इनका हाथ जो है बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक पाम है, और किसी भी काम को ये पीछे पड़ जाएंगे काम करने के लिए तो उसको ये पूरा करने करके ही दम लेंगे। ये सारे ट्रेट्स इनके बारे में बताती है। उसके बाद दोस्तों हम तीसरा पॉइंट इनके जुपिटर माउंट के पर जाते हैं। तो जुपिटर माउंट इनके बारे में बताती है कि इनको एजुकेशन में से ये लालायित रहेंगे, एजुकेशन को पाने के किसी न किसी रूप में ये अपने आप को पाएंगे कि नहीं, हमको कुछ न कुछ प्राप्त करते रहना चाहिए। और जब एजुकेशन और जब वैसी बात नहीं भी होती है तो व्यक्ति सोशल वेलफेयर से जुड़ा हुआ रहना चाहता है, सोशल लोगों को कल्याण करने की कोशिश करना चाहता है। ऐसे इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों कि ऐसे लोग रिलीजियस इंक्लिनेशन होते हैं, लोगों को वेलफेयर के लिए काम करने का जब भी बारी आती है तो ऐसे लोग काम करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को वहाँ सिद्ध करते हैं। ये सारी चीज़ें बताती, एक लाइफ लाइन से एक ऑफशूट भी यहाँ पे गई है, ये जुपिटर माउंट से जुड़ रही है, तो यह भी बताती है कि व्यक्ति थ्रू आउट द लाइफ प्रोग्रेस करता रहेगा। ये सारी चीज़ें बताती हैं दोस्तों। एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे लाइफ लाइन पे मैं आ गया, तो लाइफ लाइन पे आप देख पा रहे होंगे कि बाई शेप में एक लाइन का फॉर्म है, बाई शेप में इस लाइफ लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो व्यक्ति को किसी न किसी रूप में चाहे अनचाहे थ्रू आउट द लाइफ ट्रैवलिंग करनी ही पड़ती है, ये मेरा शोध है, मेरा रिसर्च है। अभी तक मैंने 99% केसेस में मैंने पाया है कि जब भी बाई लाइन का फॉर्मेशन होता है तो या तो हम अपने होम टाउन से दूर जा कर के व्यक्ति का करियर अपलिफ्टमेंट होता है, या फिर डेली किसी न किसी रूप में उनको ट्रैवलिंग करती ही रहनी पड़ती है। और जब ट्रैवलिंग इन्वॉल्व रहती है तो इनका लाइफ भी अच्छा चलता है, लेकिन जब ट्रैवलिंग इन्वॉल्व नहीं रहती है तो लाइफ भी इनका सही से नहीं चल पाता है, ये मैंने अपने अनुभव में पाया है दोस्तों। उसके बाद मैं तीसरा चीज़ ये भी बताता हूँ कि जब लाइफ लाइन सॉरी जब फेट लाइन इस तरह से होती है, लाइफ लाइन से निकल करके यहाँ पर से आप देखिए, यहाँ पर से देखिए, और यहाँ से आप देखिए एक ब्रांच जा करके इनकी जुपिटर माउंट की ओर देख रही है। तो मैंने बताया दोस्तों कि जब भी मैंने, यदि आपको पामिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है दोस्तों तो आप हमारे पामिस्ट्री लेसन पे भी जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के बारे में मैंने क्लियर किया है कि लाइफ लाइन क्या होती है, माइंड लाइन क्या होती है, हर्ट लाइन क्या होती है, उंगलियाँ क्या कहती है, चक्राज क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ को मैंने स्पष्ट किया है। तो आप जाकर के देख सकते हैं, कृपया करके वहाँ पर आप मेरे चैनल पर जाएँ तो आप देख सकते हैं। और जब भी फेट लाइन के बारे में भी मैंने बताया कि जब भी फेट लाइन का उद्गम हमारे
लाइफ लाइन से होती है तो व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, मतलब अपना भाग्य विधाता खुद होता है, अपने बलबूते आगे बढ़ता है। लेकिन एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, जो कि इनकी कुंडली में भी बता रही थी, यहाँ पर देखिए। या तो वैसे लोगों को अपने भाई बहन, जब बड़ी है बहन तो बहन से अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, अच्छा खासा प्यार मिलता है आगे अपलिफ्ट करने के लिए, बढ़ने के लिए। जब शादी हो जाती है तो वाइफ का भी सपोर्ट मिलता है। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल करने के बाद, इनका हाथ देखने के लिए देखने के बाद लगता है कि इनका एक ब्लेस्ड हाथ है, बहुत ही अच्छी हाथ है, इसमें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और एक और लाइफ लाइन से ही इनकी एक रेखा आप देखिए दोस्तों, इस तरह से बहुत कम लोगों के हाथों में पाई जाती है, यहाँ पर से देख सकते हैं, जो कि एक फिश टाइप का फॉर्मेशन बनाती हुई दिख रही है, यहाँ पर से जा करके मिल रही, एक फिश टाइप का फॉर्मेशन बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो वैसे लोगों को कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती, और ये मैंने फ़ोन पे कंफर्म किया है इनको। और जब इस तरह की फॉर्मेशन होती है तो व्यक्ति को थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए, जब ये कोशिश करेंगे, इस तरह का फॉर्मेशन जब बनता है, फिश टाइप का फॉर्मेशन बनता है, तो व्यक्ति को एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है, दूसरा कभी भी काम इनके फाइनेंशियल ऐसा नहीं, इनको कभी भी फील हुआ होगा कि पैसों की कमी के कारण हमारा काम ये रुक गया, ऐसा नहीं हुआ होगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें बताती है। और यदि ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की ओर जाएंगे तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में भी इनको हेल्पफुल ये लाइफ में ये फेट लाइन साबित होगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें एक तरफ इशारा कर रही है कि हाँ, इनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है अच्छा ही रहने वाला है, कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं रहने वाला। लेकिन आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत सारी लाइंस का कटाव होने के कारण यहाँ पर छोटी छोटी स्क्वायर भी बन रही है, तो छोटी छोटी स्क्वायर भी बन रही है लेकिन उतनी स्पष्ट अवस्था में नहीं बन रही है, हम नहीं देख पा रहे हैं कि उतनी स्पष्ट अवस्था में बन रही, इस छोटी छोटी स्क्वायर बन रही है। तो इसका क्या रिजल्ट होता है, लेकिन क्रॉस का भी फॉर्मेशन हो रहा है, एक मिक्स 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 शेप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, मिक्स्ड फॉर्मेशन ऑफ शेप बन रहा है। तो फिर क्या होता है, व्यक्ति को जो है सोशल स्टेटस जितना अच्छा मिलना चाहिए वो उतना मिलने में परेशानी होती है, लेकिन जुपिटर इनको ये चीज़ मेंटेन करके रखेगी, ये इनको देखना है दोस्तों। उसके बाद हम पाम आप देख पा रहे होंगे, इनकी हथेली आप देख पा रहे होंगे, तो इन हथेली की चौड़ाई लंबाई अच्छी खासी लंबाई है और चौड़ाई उतनी कम है, और इसके रेस्पेक्ट में आप उंगलियां देखें, आप तो उंगलियां बहुत छोटी है। तो ऐसे लोग क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं और गुस्से में भी कभी कभी डिसीजन ले लेते हैं, चूँकि मैंने आपको मार्स माउंट के बारे में बताया कि मार्स माउंट अच्छा खासा डेवलप्ड है, तो ये लोग गुस्से में आकर के तीव्र डिसीजन लेने वाले होते हैं। तब क्या होता है कि कभी कभी इनको परेशानी भी झेलनी पड़ती है। तो इस तरह का डिसीजन ये नहीं लें तो ज़्यादा बेहतर होगा इनके लिए। और दोस्तों इनके शुक्र पर्वत की बात की जाए तो शुक्र पर्वत पे भी अच्छी अच्छी खासी बड़ी लाइन है, मोटी लाइन है, जो कि इनको लग्जरीज आने वाले टाइम में देगी, ये मेंटल प्रेशर से मेंटल डिस्ट्रेस से थोड़ा सा उबारा पा लें। तो ओवरऑल इनके हाथ का जो टोन लग रहा है हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कोई कमी नहीं दिख रही है, बस ये थोड़ा सा अपना मेंटल पीस को मेंटेन करें तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल जाने वाली है दोस्तों। और थोड़ा सा इनको लग रहा है, हमको लग रहा है कि इनको आने वाले समय में इनका हार्ट लाइन देख करके लग रहा है कि इनको रेस्पायरेटरी रिलेटेड समस्या भी हो सकती है, मतलब ब्रीदिंग रिलेटेड समस्या भी हो सकती है। तो इन सभी से ये बचने की कोशिश करें और प्राणायाम या फिर योगा करते रहें, जो कि इनको मैंने बता दिया है डिटेल्स में, इनको फ़ोन पे मैंने बता दिया है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू। तो दोस्तों यदि आप भी अपने हाथ की एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप भी मुझे संपर्क कर सकते हैं अपने मेरे फेसबुक पेज पर जाकर के, और जिसका लिंक मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने दिया हुआ है। तो दोस्तों आप सभी का पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।